हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपनी वही जो पछली कड़ी है उसने जोड़ देनी आप आज अगली वीडियो पावा। हाँ, अगली वीडियो है अपनी एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर जिसने अपनी नाम देवा। हाँ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ना, इस पे कहानी याद आवे मेरे। थ्री इडियट फिल्म देखी है, उसमें वो कहा है कि भाई लड़का इंजीनियर बनेगा। तो जब हमने प्लस टू करी तो उस टाइम पे इंजीनियर के चाप बहुत तो आया करते लोग का है। और वो इंजीनियर करवाने का चाह में मेरे बाबू ने मेरा एडमिशन करवा दिया पॉलिटेक्निक में। मैं गया, इब गांव का बालक सीधा हाथ दिल्ली जाके एडमिशन ले हुआ है पॉलिटेक्निक में। रोड जाके ने बेरा पट है कि भैया अरे एक नई किस्म की बीमारी हो या करे कॉलेज में जिसना फिर रैगिंग कमा। तो गया तो एक बिहारी था अपने, मैं एक किताब वाला बदोरा पेन लेने लग रहा, भाई पेन दे दे। कॉलेज की ड्रेस होया करती, उसने कितने मेरी ड्रेस देख के ना पछत रुक के मारा ए फर्स्ट ईयर। मैं क्यों सुनूं भाई, मेरे माँ बाबुआ ने मेरा नाम तो मनदीप टेक रखा था, फर्स्ट ईयर नाम तो मेरा था को नहीं, जो मैं उसका नहीं देखूं। तो दो तीन बार कही उसने आके ने मेरे कंधे का हाथ लगा के, बोला तुझे सुनाई नहीं देता मैं कब से बोल रहा हूँ। तो मेरा एक के रिप्लाई था, एक थोल मारूं यार झील कट जाएगा तेरा, तू है कौन, मेरा खोआ पकड़ के मेरे तीनों कहने वाला। तो उसने बताया कि मैं तेरा सुपर सीनियर हूं। ये मैं दिमाग खराब हो गया, मात्रा बैगन या सीनियर नाम की बीमारी तो पास हो ये नहीं थी, या सुपर सीनियर नाम की महामारी हो रहेगी। ये वो महामारी आई तो सुपर सीनियर जाके मैंने कॉलेज में पूछा, भाई ये सुपर सीनियर क्यों होया करे। तो उनने कहा कि भाई सुपर सीनियर का मतलब है अपने सीनियरा का भी सीनियर। मत चाले भाई, मतलब सीनियर को ऊपर सीनियर, सुपर सीनियर। तो मन वह चीज याद आई जब अपने प्लस टू में पढ़ा सुपर पोजीशन, यानी कि पोजीशन के ऊपर पोजीशन, उसने नाम दे दिया। हाँ, सुपर पोजीशन। आसान सा टॉपिक है, समझने की कोशिश करिए। इब एक चार्ज है अपने दो रहे एफ नो क्यू नोट, क्यू नोट चार्ज। कोई एक और चार्ज है क्यू वन, जो इसका पोजिशन वेक्टर है R10 कह लो चाहे R01। कोई दूसरा चार्ज है क्यू टू, R20 कह लो। इसी तरह क्यू एन 3 4 सारे चाले जाओगे R N0 कह लो पोजिशन वेक्टर। अगर ये पोजीशन वेक्टर अपने इस तरह हैं तो ये वो चार्ज तो एकला है, लेकिन ये चार्ज हैं कई कई चार्ज हैं। तो आपने गुलाम ने एक बात बताई थी नियम में कि भाई दो चार्ज होंगे तो उनके बीच में फोर्स लगेगा। तो गुलाम ने जो नियम दिया था वो नियम की एक वह है कि भाई फोर्स जीरो के ऊपर पहले की वजह है। कितना फोर्स लगा है, जो फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था अपने के क्यू वन क्यू टू बटे में आर की स्केयर और फिर आर का यूनिट वेक्टर। क्यू वन क्यू टू यानी कि क्यू जीरो क्यू वन डिवाइड बाई R01 का स्केयर मॉडुलस का और R01 यूनिट वेक्टर। आपने इस पिछले वीडियो में तो हमने देखी भी होगी कि आपने वेक्टर फॉर्म लेके किस तरह आए थे। इस ताकत चला कि इस जीरो के ऊपर तो ये दूसरा भी तो है, तो इसका मतलब ये दूसरा भी फोर्स लगा हुआ है, चाहे खींचो चाहे दूर धकेलो, पुल और पुश कुछ भी कर सका है। तो इस दूसरे का क्या फर्क पड़ेगा, तो वो आपने ले लिया F02 तय। वह वैल्यू आ गई K Q0 Q2 डिवाइड बाई R02 मॉडुलस का स्केयर R02 यूनिट वेक्टर। इसी तरह F0N जीरो के ऊपर N की वजह से F
कितना हो जाएगा फोर्स के क्यू जीरो क्यू एन डिवाइड बाई आर जीरो एन वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर आर जीरो एन का यूनिट वेक्टर। इस तरह से अलग अलग फोर्स अपने इस एक चार्ज के ऊपर काम करना शुरू कर देवे हैं। लेकिन वो की है कि जब ये सारे फोर्स लग गए हैं तो फोर्स तो एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर है और हम उसने जोड़ देवा तो के बचेगा भाई, जो रिजल्टेंट बचेगा वो ज़्यादा भी हो सके है, कम भी हो सके है, प्लस माइनस कुछ भी हो सके है भाई। और जो प्लस माइनस हो सके है वो किसके ऊपर डिपेंड करे है अपना, वो डिपेंड करे है इसकी डायरेक्शन के ऊपर कि भाई यो अट्रैक्ट या रिपेल। तो ई बापी ने वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका टोटल जोड़ ले लिया, टोटल जोड़ कितना लिया भाई कि एफ जीरो के ऊपर टोटल फोर्स कितना, तो टोटल फोर्स कितना एफ जीरो पर पहले की वजह से जो है, एफ जीरो पर दूसरे की वजह से जो है, इसी तरह चलते रहेंगे और एफ जीरो के ऊपर एन में की वजह से जो है। तो यो है अपना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये अगर कोई पूछ ले कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है कि, तो आप उसने एक के बात बता सका कि भाई सुपर पोजिशन वो टोटल फोर्स है एक चार्ज के ऊपर किसमें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में, जो किसका रिजल्टेंट है, जो इस चार्ज, जो एक चार्ज जिसके ऊपर हमने टोटल फोर्स निकालना है उसके ऊपर जो सारे चार्ज जितना जितना फोर्स लगा रहे हैं इंडिविजुअल एक एक करके ने, उन सब का वेक्टर सम। टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एग्जर्टेड बाई इंडिविजुअल चार्जेज। अब अगर आप इनकी सब की वैल्यू पुट कर ले तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी आओगी भाई अपने पास, एफ जीरो की वैल्यू आओगी के क्यू जीरो क्यू वन डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला रहा भाई हमारे पास, आर जीरो वन का स्क्वायर आर जीरो वन का यूनिट वेक्टर प्लस के क्यू जीरो क्यू टू आर जीरो टू मॉडुलस का स्क्वायर आर जीरो टू यूनिट वेक्टर। सेम टू सेम एन के लिए हो जाएगा भैया पढ़ा, एन खातर कितना हो जाएगा के क्यू जीरो क्यू एन डिवाइड बाई आर जीरो एन इसका स्क्वायर आर जीरो एन का यूनिट वेक्टर। बीच में प्लस डॉट 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 यानी कि तीन भी है, चार भी, पांच भी, जहाँ मर्जी तक हो सकते हैं भाई। इन सब में कॉमन के है, आप इन देख के चीज दिखेगी, ये सब में है तो यू आप इन्हें कॉमन निकाल लिया के क्यू नॉट। अंदर क्या रह गया भाई, अंदर रह गया क्यू वन बटे आर जीरो वन का स्क्वायर आर जीरो वन कैप, क्यू टू आर जीरो टू का स्क्वायर आर जीरो टू कैप प्लस डॉट डॉट क्यू एन आर जीरो एन इसका स्क्वायर आर जीरो एन का यूनिट वेक्टर। अगर हम इन मत सब ने इस तरह लिख दिया तो इसकी एक मैथमेटिकल शॉर्ट फॉर्म होया करे है भाई। शॉर्ट फॉर्म क्यों हो जाओगी के क्यू नॉट समेशन ऑफ क्यू वन टू, चेंज होने लग रहा है, चेंज होने लग रहा है तो आई लिख दो डिवाइड बाई आर, जीरो तो सब में है लेकिन अगली चीज चेंज हो जीरो एक जीरो दो जीरो तीन जीरो एन तो आई लिख दो, जहां पर जो चीज चेंज हो रही है उसने कितना लिख दो आई आर जीरो आई का कैप। आई की वैल्यू है वन से लेकर आई की वैल्यू एन तक, ये हो गया हमारा टोटल फोर्स जीरो के ऊपर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इतना ही है भाई अपना, समझ में आया होगा। इब अगला टॉपिक पर चलना है भाई। अगला टॉपिक एक सिंपल सा टॉपिक है जिसना हम नाम देवा है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों होया करे भाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? देखो ज्यादा कुछ नहीं है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, सिर्फ एक दो डेफिनेशन है, एक दो फॉर्मूला है।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना अपनी नाम दिया करा रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, के नाम दे इसका इसने एक और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होया करे इसका मतलब है, रिलेटिव का मतलब रिलेशन, दो चीज में रिलेशन, दो चीज में रिलेशन है। तो इसने हम डिनोट करा रहा केत है और इसकी डेफिनेशन होया करे इट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन हमने पढ़ा था, ये होती है मीडियम के लिए और या वो है भाई अपनी वैक्यूम के लिए। मीडियम का मतलब नीचे नोट नहीं है, जीरो नहीं है नीचे तो वो मीडियम, अगर नीचे जीरो है तो वो वैक्यूम। परमिटिविटी बटे परमिटिविटी तो इसकी एसआई यूनिट कुछ भी नहीं, डाइमेंशनल फॉर्मूला कुछ भी नहीं। क्लियर यहां तक? अब इसकी एक और डेफिनेशन भी है भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो डेफिनेशन है यो है रेशो, कैपिटल के है ये स्मॉल के है, यो स्मॉल जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नाम दे वहां, यो कैपिटल लेटर के अंदर जिसको हम क्या नाम दे वहां भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो के है वो एफ नोट डिवाइड बाई एफ, इसका भी रेशो है एफ नोट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम, लिख सकते हैं यहां फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम, और ये क्या है फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम। तो जो मर्जी डेफिनेशन आप याद कर लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो अर्धी था अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहली यूनिट का जो ए पार्ट है उसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वही बेक रंग आपी, उस टॉपिक का नाम है भाई हमारा डाइलेक्ट्रिक सॉरी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान है लेकिन उसके अंदर आप ही नहीं, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि यो समझ में आ गया हो, समझ में नहीं आया हो तो आप ही इस वीडियो ने वापिस थोड़ी सी पाचन कर लो, दोबारा देख लो। चलो ये जिक्र करा आप ही कि भाई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला अंदाजा लगाओ इसके नाम से भाई, किसका नाम की है, इसका नाम है कंटिन्यूस का मतलब लगातार, चार्ज का मतलब चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बटना, लगातार एक चार्ज का बटना के है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई रोड है, इस रोड को हमने चार्ज दे दिया, कोई भी चार्ज पॉजिटिव दे दिया या नेगेटिव दे दिया, जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया वो चार्ज इस पूरी बॉडी का सरफेस के ऊपर फैल जाएगा बराबर बराबर। चार्ज ने पढ़ो पानी की तरह, इसने जब भी अपनी देसी लैंग्वेज में पढ़ोगे ना तामी, तो जो अगर पानी नहीं चल कर खेतों में या कितने भी पानी वो चार्ज है, समझ गए, पानी तो अलग मत लेके जाइए इसने गलत हो जाएगा। ये पानी की तरह है, यानी कि एक टंकी है अपने द्वारा खाली है, एक बाल्टी पानी की गेर थी, वो बाल्टी पानी की टंकी कम है पड़ते ऐसा तो है नहीं कि एक साइड तो टंकी भर जाएगी पतली पतली, इस तरह कि यह एक टंकी है इसमें हमने पानी गेर दिया, पानी गेर दिया तो वो पानी की बाल्टी आड़ आड़ तो चढ़ेगा नहीं, वाकई होगी नीचे पूरी सरफेस के ऊपर बट जाओगी, इस तरह पानी चल जाओगा भाई सारी के ऊपर बराबर बराबर। तो यो जो बराबर बराबर बटना है यो
इसने नाम देवा कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यो तीन तरह का होया करे, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर का मतलब लीनियर में एक शब्द है लाइन, किसी लाइन सरफेस के ऊपर चार्ज का बट जाना, सीधी सरफेस है जिसको तार है, तार ते चार्ज दे दो लाइन में बट जाओगा, ऐसा तार जिसकी थिकनेस बहुत कम है यानी कि आप उसका वॉल्यूम नहीं पढ़ांगे। सरफेस यानी कि जी किसी का सरफेस एरिया के ऊपर कोई चार्ज बट जावे या बराबर बराबर बट जावे उसने आप नाम देवांगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम यानी कि सीधी बात वॉल्यूम में दिखने लग रहा है कि भाई एक वॉल्यूम है यानी कि अंदर से सॉलिड है, सॉलिड है तो वॉल्यूम के ऊपर चार्ज बटेगा, उसने आप कहेगा अगर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पाओ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है कि मान लिया चार्ज है क्यू, वो किसी लेंथ एल पे बराबर बराबर बट गया भाई, चार्ज लेंथ बराबर बराबर बट गया। अगर बराबर बटे हैं तो आप ये पढ़ांगे कि भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आया भाई, इसने हम नाम दिया करा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यह वैल्यू हो गया अपने। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा इंटू एल। अब सरफेस के ऊपर आओ, चार्ज है क्यू बट गया किसी सरफेस एरिया एस के ऊपर, यह है चार्ज बट गया किसी सरफेस एरिया एस के ऊपर। तो हम पढ़ांगे कि भाई जो चार्ज है वो अगर सरफेस एरिया पर बटा है तो पर यूनिट सरफेस एरिया कितना हो गया सिग्मा। कहीं भी देखियो ये जो सिंबल है ना ये, यो हमेशा लीनियर चार्ज के लिए ये रहेगा भाई, डेंसिटी के लिए सिग्मा हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए रहेगा, क्लियर। वॉल्यूम चार्ज, चार्ज है क्यू, वॉल्यूम है वी, और बट गया भाई, बट गया तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये होता है भाई रो, और रो को हमेशा यूज करेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्लियर यहां तक। अब है जो क्यू इसके अंदर है, इसमें क्यू कितना होगा भाई, क्यू की वैल्यू हो जाओगी सिग्मा इंटू एस, इसमें क्यू की वैल्यू हो जाओगी रो इंटू वी। तो हमने इबई फोर्स पढ़ा था, फोर्स की वैल्यू थी अपने दोरे के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म पड़ी सिंपल मैग्नीट्यूड है ये, तो हमने सुपरपोजिशन पड़ी थी अभी, इब्बे जब सुपरपोजिशन पड़ी है ना तो इब्बे सुपरपोजिशन के पड़ी थी अपने एफ के क्यू नोट समेशन ऑफ क्यू आई डिवाइड बाई आर जीरो आई इसका स्केयर आर जीरो आई का यूनिट वेक्टर। अगर ये पड़ी है तो इस क्यू की वैल्यू, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो या टेक दो, लीनियर चार्ज डेंसिटी है या रख दो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये रख दो, या क्यू की वैल्यू पुट ऑन दी जाओगी अपने दो तीनों के अलग अलग फोर्स के फार्मूले आते जाओगे। आशा कर रहा हूं आपने अब बात समझ में आई होगी आज जो पढ़ाया। अगर प्रदीप की किताब ले रहे हो तो सारे टॉपिक हो गए अपने पहले के ए पार्ट के, देखो कोशिश करो तामी किताब मत पढ़ने की। अगर कोई डाउट आवे है पूछ दे रहा करो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है।
हाँ अपनी बस एक छोटी सी कमी है कि भाई आप ये एक दिन में दो तीन वीडियो बना दे, हाँ, और दो तीन दिन में एक एक दो दो करके उन्हें अपलोड कर दे। तो अगली क्लास आप लेवांगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, लेकिन उस क्लास खातर थोड़े से रुक जाओ, टीम की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, गम ठीकरी पहले शुरू कर रखे हैं भाई, थोड़ी ड्यूटी लाग जाओ है तो जाना पड़ जाओ है। तो आज खातर इतना ही, जुड़े रहो, मिलते रहो।